रणजीत सुरजेवाला है, उनका काफिला अभी अभी निकला है और एक बड़ी टक्कर होते होते बची है। दूसरी तरफ पुलिस बल तैनात किया गया है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पवन बंसल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये कह रहे हैं कि जो देन है डंपिंग ग्राउंड की वो कांग्रेस पार्टी की है, तो किस कदर यहाँ पर जो है वो वोट मांगने आ सकते हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर कई सारे फॉर्म लेकर घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा की ओर से आपको बुलाया गया है, क्या कहेंगे? ये सब बंसल की ओर से, ये बंसल ने किया, बंसल गली का कुत्ता है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले आपको बता दें काफी ज्यादा हाथापाई जो है वो कांग्रेस और भाजपा के वर्कर्स के बीच में भी देखने को मिली, लेकिन साथ ही उस समय पुलिस जो सुरक्षा बल है वो बुलाया गया, जिसके बाद एक तरफ भाजपा के जो सपोर्टर है और दूसरी तरफ जहां पर इवेंट जो कांग्रेस पार्टी का चल रहा था वो वहां पर लगाया गया। पर साथ ही कहीं ना कहीं दोबारा से, क्योंकि जो काफिले ने रणजीत सुरजेवाला ने वो निकल रहा था, तो उसके चलते काफी भारी पुलिस बल यहां पर मंगाया गया ताकि दोबारा से जो टकराव की स्थिति जो पहले पैदा हुई थी वो दोबारा से ना हो सके। कहीं ना कहीं यही मुद्दा जो डंपिंग ग्राउंड का एक कलंक जो चंडीगढ़ पे लगा हुआ है उसके चलते कांग्रेस पार्टी कहने पहुंची थी कि 6 महीने के अंदर अंदर इस डंपिंग ग्राउंड को उठाया जाएगा। दूसरी तरफ भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि ये देन कांग्रेस की है, तो किस तरीके से इसको उठाया जाएगा, आज तक जब नहीं उठाया गया। तो कहीं ना कहीं इसके चलते काफी बड़ी झड़प वो देखने को मिली, जिसके बाद एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। और अब जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, पवन कुमार बंसल की जो पूर्व MP भी है, रेल मंत्री भी है और रणदीप सुरजेवाला की, उसके बाद जब यहाँ से निकले तो दोबारा से टकराव की स्थिति होने लगी थी जिसे अब रोक दिया गया है। जी भदम, बहुत महत्वपूर्ण है, माहौल चुनावी बेशक है लेकिन हिंसा ना हो ये जरूरी है, पुलिस के लिए चुनौती है। देखिए बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरे तरीके से पुलिस जो है वो उनको घेरा है ताकि किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर में जो है वो खराबी ना आए, किसी तरीके से कोई परेशानी ना आए, और इसी के चलते ताकि जो लोग, मैं दूसरी तरफ ये भी तस्वीरें दिखानी चाहूंगा, जो लोग है जो आवाजाही है उसको भी किसी तरीके से दिक्कत ना हो, उसके लिए भी खास ध्यान जो है वो रखा गया और कुछ ही समय में जो है यहाँ पर पुलिस एक्शन फोर्स जो है वो मंगा ली गई ताकि किसी तरीके की जो पहले स्थिति खराब हुई थी वो दोबारा से ना हो सके। आपको एक और जानकारी दे दें, यहाँ से जो पूर्व मेयर है राजेश कालिया भाजपा की ओर से वो खड़े हैं और उन्हीं के ये जो सपोर्टर हैं वो बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर पवन बंसल का विरोध करने पहुंचे थे और कहने पहुंचे थे कि आखिरकार जो फैक्ट है वो ये है कि कांग्रेस के रिजीम के टाइम पे जब यहाँ पर नगर निगम में कांग्रेस जो है वो जीती हुई थी, जब मेयर थे उनके, उस समय इस डंपिंग ग्राउंड को बनाया गया था, उस समय से लेकर अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया, तो किस आधार पर वोट यहाँ पर लेने ये जो समर्थन में जो प्रदर्शनकारी जो खड़े हैं, क्या इनका आगे का भी कोई कार्यक्रम है? जो प्रदर्शनकारी जिनको पुलिस ने घेर रखा, अभी फिल संभाल रखा है, क्या उनका आगे का भी कोई कार्यक्रम है? देखिए फिलहाल कार्यक्रम इतना ही था कि उनको, यानी जो पवन बंसल यहाँ से गुजरेंगे उनको घेरा जाए, लेकिन वो जो है वो रोक दिया गया क्योंकि पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था। जैसे ही मैं आपको तस्वीरों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये एक रास्ता है जहां से कांग्रेस के काफिले ने निकलना था, आपको तस्वीरें हमने शुरुआती दौर में दिखाई जब कांग्रेस का काफिला निकल रहा था, उस समय पुलिस द्वारा इनको घेर लिया गया ताकि आगे जो है वो सड़क पर ना आ सके, बड़ा प्रदर्शन जो है वो ना हो सके और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब ना हो सके, जैसे कि आधे घंटे पहले हुई थी। आपको बता दें कुछ वर्कर जो भाजपा के हैं और कुछ वर्कर जो कांग्रेस के हैं वो आपस में यहीं पर भिड़ गए, काफी धक्का मुक्की हुई, तनावपूर्ण स्थिति हुई, जिसके बाद लोकल जो पुलिस मुलाजिम है उनको और बुलाना पड़ा ताकि, क्योंकि सीनियर लीडर पहुंचने वाले थे, उनके साथ किसी की तरीके की कोई परेशानी ना आए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस इलाके में ना खराब हो, इसके चलते जो है वो और भारी बल जो है वो पुलिस बल बुलाया गया और अब स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं काबू में नजर आ रही है। नियंत्रण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लाइव अपडेट के लिए, बस बहुत शुक्रिया।